अब आप उड़ेंगे हवा में। ये मनीष ऐसे ही घूम रहा था ना जब गोली लगी उसको? नहीं सर, वो थोड़ा सीधा बैठे थे। सीधा? तो इसको भी वैसा ही करो, सीधा करो। अभी सही लग रहा है सर, सर मैं हवा में उड़ रहा हूँ सर, अभी मजा आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। ओए होए, मजा आ गया। गोली लगी इसको? अरे लग गई। नीचे उतारो जल्दी। सर! निखिल, आंखें खोलो, आंखें खोलो। निखिल मर गए। मर तो नहीं गए? नहीं। निखिल पूछ गया। निखिल ये जैकेट निकालो उसके। निखिल, निखिल खून तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। निखिल ये नहीं गोली। तो मेरी फोटो भीड़ों में लगा देना। अरे यार बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, कुछ नहीं हुआ तुमको। ये रही गोली, ये तो स्क्रू है। ये स्क्रू आया कहां से? पड़े जा चली। कहां से आई है ये गोली? कहां से? कहां छुपाई है गन? 5 फीट 6 या 7 इंच के आसपास होना चाहिए। स्क्रू वाली गोली यहां से चली अभी जी। और ये रहा इसका कैप। पूरे कमरे में यही एक जगह है जहां से स्क्रू निकला। इसके पीछे छुपाई गई है गन। इसके पीछे है गन। इसके आप जी मैं निकालता हूं गन लाइट के पीछे से। नहीं, 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 सर, हमने कुछ नहीं किया सर। धोखा? हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे। किसने लाइट के पीछे किसने गन लगाई है? किसने लगाई है? तूने? नहीं सर, हमने अब तक 11 लोगों को हवा में उड़ाया सर, उसमें से किसी को गोली वोली नहीं लगी सर। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त तक यहां लाइट के पीछे गन नहीं लगी हुई थी। ये गन मनीष को मारने के लिए ही लगाई गई है। अभी देखते गन कहां है। प्लीज 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 हमें इसमें मत फंसाइए प्लीज। हमें सच में कुछ नहीं मालूम। लाइट खोल के लाइट के पीछे गन फिट करना कोई कुछ मिनटों का काम नहीं। ये आप लोगों की मदद के बिना हुआ ही नहीं है। मैंने तो लाइफ में आज तक गन देखी भी नहीं है। वो आप देख। गन? इसमें तो गन नहीं है। किधर? और सर जब मुझे गोली लगी थी तब इस कमरे में
कोई नहीं था सर। तो गोली के आसमान से आई है, यहीं से आई है, यहीं से। लाइट है, लाइट है, लाइट में होल भी है, होल में से स्क्रू भी निकला है, लेकिन गन नहीं है। गन नहीं है, आए रे किस्मत, गन नहीं है। मगर फारुखी गोलियां तो चली है ना, हा? एक वो गोली जिससे मनीष मरा है, और एक ये स्क्रू वाली गोली जो हमारे निखिल को लगी। यही तो चक्कर है बॉस, गोली चली है मगर गन नहीं है। तो फिर सर आप बताते क्यों नहीं कि गन कहाँ छुपी है? अरे मालूम है तो बताएगा ना। अरे मालूम है लेकिन मैं ही क्यों बताऊं, हैं? मैं ही बताऊं हर चीज। सालू को तो बिठा दो यहाँ पर, और वहाँ सीआईडी के दो बेचारे जासूस दीवारें सूंघ सूंघ करके पूछ रहे हैं आपस में, गोली चली तो चली कहाँ से, गोली आई तो आई कहाँ से। तो तुझे क्या हर केस में गोदी में बिठा कर लेके जाना जरूरी है, है? मैंने कहा है तुमसे कि मुझे गोद में बिठा करके लेके चलो। तो फिर रोता क्यों है? रोता इसलिए हूँ कि जब फंस जाओ तो एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तू एक्सपर्ट? हाँ। और अभिजीत और दया दूध पीते बच्चे हैं। देख सारुंखे, अभिजीत दया और पूर्वी ने मिलकर पता लगाया कि वो गोली कहाँ से चली, समझे? तो फिर क्या, मान ले ना, तेरे बगैर किया है वो। अच्छा, अगर वो लोग इतने ही उस्ताद बनते हैं वो लोग, तो उन्हें पता क्यों नहीं चला कि गन कहाँ छुपा के रखी हुई है, है? दो दो गोलियां चली है बॉस, दो दो गोलियां। सालुंके साहब, एक बात पूछता हूँ आपसे। पूछो। अगर आप वहां पे होते तो क्या कर लेते? छोटा मुंह बड़ी बात मत कर प्रेडी। अगर बुरी लगी तो माफी चाहता हूँ, मगर सर बताऊँ क्या कर लेता। अबे पता है तो ही बताएगा ना तू। पता है तो फिर बता ना। बताता हूँ अभी। तारिका जरा लेके आओ, अभी पता लगेगा। ये है वो गन सर। गोल गोल गन सर, आजकल गन गोल गोल बनने लगी है क्या? यार सारुंखे, इसमें तो गोली लगी है और तू इसे गन कहता है? यही सीक्रेट है बॉस, आओ बताता हूं। बता बॉस। ये देखो बॉस, मैग्नेट। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मैग्नेट छुपाए हुए नहीं देखा। मतलब स्पेस सूट के बैज के पीछे मैग्नेट छुपाया था? बिल्कुल बॉस। जैसे ही वो मशीन ऑन हुई, तो पूरा कमरा एक बहुत बड़े मैग्नेट में बदल गया, और इस बैज में छुपा हुआ मैग्नेट भी एक जबरदस्त मैग्नेट में बदल गया। जब अरुण ने मनीष को उठाया, जैसे ही ये बैज घूमता घूमता इस लाइट के सामने आया, इस लाइट में से तूफान की तेजी के साथ गोली निकली और मनीष की छाती पर लगे हुए इस बैज को चीरती हुई उसके दिल में जाकर के घुस गई। मनीष वहीं मर गया इमीडिएटली, तत्काल। सर बैज में मैग्नेट छिपाया किसने होगा? किसी अंदर वाले ने सचिन, किसी अंदर वाले ने राहुल या अरुण। ये स्क्रू शायद थोड़ा लूज रह गया होगा, इसलिए जब ये पूरे कमरे में चारों तरफ मैग्नेटिज्म का एक फोर्स हो गया तो शायद ये स्क्रू निकल के यहां आया होगा। स्क्रू निकल कर आया वो तो ठीक है, लेकिन सीधा जाके दिल में ही लगा ये कैसे होगा? कहीं और क्यों नहीं लगा? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं, मैं बताता हूं। इस बैज की वजह से, इस बैज में एक मैग्नेट छुपा के रखा गया है। मैग्नेट? हाँ मैग्नेट। ये मैग्नेट बैज में छुपा के रखा गया है। दोनों बार गोली बैज में जाके लगी, मनीष के बैज में भी और इस बैच में भी।
जो इंस्पेक्टर निखिल ने पहना हुआ था। और ये देख रहे हो क्या है? किला? हाँ, किला। मालूम है कहाँ से मिला? मनीष की लाश में से निकला ये। मनीष की लाश में से? जी, और ये किला यहाँ इस होल में से निकला है। ये किला इस छेद में छुपा के रखा गया था। अब सवाल ये उठता है कि मनीष की मौत के बाद ये स्क्रू जो इंस्पेक्टर निखिल के बैज में आके लगा, ये वहां पे किसने रखा? क्योंकि वो किला तो मैग्नेट ने छीन लिया था और उसकी जगह इस स्क्रू ने ले ली। समझे? मैंने तुमसे कहा था सर, सर, कि जब मैं किसी की हड्डियां तोड़ता हूं सर, तो मैं गिनता नहीं। बट लाइट में गोली किसने रखी थी छुपा के? सर, सर, कल हमने शाम को भी तो एक आदमी को उड़ाया था यहाँ पे सर, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कितने बजे उड़ाया था उसे? सर, करीब शाम को 6:30 बजे सर। तो कल शाम तक गोली नहीं चली है, गोली आज सुबह चली है। मतलब जो कुछ भी गड़बड़ हुई है वो कल रात में हुई। कल रात में यहाँ पे कोई घुसा, दोनों ड्रेसेस के बैज में मैग्नेट फिट किया और वहां से स्क्रू निकाल के कीला लगा दिया। लेकिन सर, सर रात में तो बाहर गार्ड्स बैठते हैं सर, रात में कौन कौन आ सकता है? वो जो कोई भी था वो यहाँ अंदर दिन में ही आया था और रात को भी यहीं पे था। शायद यहाँ इसके पीछे। सर अगर वो यहाँ छुपा हुआ था तो फिर वो यहाँ से अंदर कैसे गया और उसने कील वाली जगह पे स्क्रू कैसे फिट किया और इन दोनों को दिखा कैसे? नहीं क्या मालूम सर कैसे वो है सर? क्या मालूम कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? मनीष की लाश देखने के बाद एक एक सेकंड का हिसाब चाहिए मुझे। देखिए इसका फोन लो, देखो कितनी देर तक बात की थी इसने। तुम चलो दिखाओ, दिखाओ मनीष की लाश के पास चलो। चलो। क्या हुआ यहाँ पे? सर जैसे मैंने मनीष की लाश देखी मैं डर गया सर और फिर मैं बाहर गया। बाहर गया? देखता हूँ कितना टाइम लगा तुमको। एक, दो, तीन, चलो बाहर भागो, दिखाओ। सर फिर मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे भी सिग्नल नहीं आ रहा था। हाँ। तो फिर मैं यहाँ पे आके मैंने बात की। 13 सेकंड। सर आगे। सर इसने हमारे से 35 सेकंड बात की है सर। 35 और 13 48, मतलब जो कुछ हुआ है 48 सेकंड के अंदर हुआ है। वो भी तुम जरा अंदर जाके छुप जाओ। और तुम दोनों अभी अंदर जाओ और यहां पर आकर फोन पे 35 सेकंड तक बात करना, समझे? जी सर। चलो अपना फोन। पूर्वी तुम्हारे पास 35 सेकंड है उस लाइट में स्क्रू फिट करने के लिए। ओके तुम लोग तैयार हो? जी सर। जी सर। आ जाओ। हेलो, हेलो सीआईडी जी। सर मैं मूनस्पेस कंपनी से बोल रहा हूँ सर। सर यहाँ पे खून हो गया है सर। 16 लाश अंदर ही पड़ी है। 18 सर। 19 नहीं सर, हम कुछ हाथ नहीं लगाएंगे सर। 22 23 जी जी सर। 26 जी सर। 27 28 ओके। 29 सर। यस सर। 31 नहीं सर। 32 ओके। 33 34 35 बस चलो दरवाजा खोलो जल्दी। पूर्वी हो गया? पूर्वी, 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 ये कहाँ गई? अरे यार, 35 सेकंड में? पूर्वी, क्या चक्कर है? हाँ, क्या चक्कर है? और कौन सी जगह यहाँ छुपा के रखी है तुम लोगों ने? सर, ये आवाज कहाँ से आई? पूर्वी सर मैं यहाँ हूँ।
अच्छा 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 तो यहाँ पे छुपा था वो खूनी। अपने हाथों के निशान निशान जरूर छोड़ के गए होंगे वो। मनीष का खून करने के बाद खूनी टेबल के नीचे छिपा हुआ था, फिर राहुल और अरुण ने उसे देखा कैसे नहीं, और तो और अब ये भी पता नहीं चला है कि वहां पे खून हुआ कैसे, क्योंकि खून करने के बाद वो आदमी टेबल के नीचे जाके छिप गया था। आदमी? हाँ, आदमी छिप गया था, क्योंकि जानवर की उंगलियों के निशान तो मिले नहीं, तो ऑब्वियसली आदमी होगा ना सर। जानवर की उंगलियों के निशान नहीं मिले तो आदमी हो गया, ये क्या लॉजिक है यार है? भाई साहब वो आदमी नहीं है। तो सर फिर कौन था? एक औरत, एक लड़की, 25-26 साल की लड़की। क्या लड़की कहां से आ गई सर बीच में? देखो वो फिंगरप्रिंट्स एक लड़की के हैं जिसकी उम्र 25-26 साल की है। सर मतलब वो खून एक लड़की ने किया है? मनीष के घर पर जितनी भी लड़कियां हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। आरती जी अब आपकी बारी है, चलिए चलिए। हाँ ध्यान रखिए। सर आरती जी के फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हो रहे। आरती के भी नहीं, ऋचा के भी नहीं, तो अब बचती है शिखा। कहाँ है शिखा जी, जरा बुलाइए। सर भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में सो रही है। सीआईडी के पास हर बीमारी का इलाज है, उनका कमरा कहाँ है? भाभी 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 कहाँ गई? अलमारी खुली है, उसमें से पैसे और गहने भी गायब है। राखी जी लगता है आपकी शिखा भाभी गायब हो गई, बोरी आप इस तरह बांध कर गायब हो गई, ये पहले से ही लग रहा था। इस सब के पीछे तुम्हारी शिखा भाभी का ही हाथ है। लेकिन सर हम लोग तो नीचे हॉल में ही थे, हमने तो उन्हें जाते हुए नहीं देखा। सर ये देखिए सर, खिड़की खुली हुई है, लगता है शिखा यही से भागी सर। और कहां भाग गई ये अब इस कमरे से ही पता चलेगा। ढूंढो इस कमरे को अच्छी तरह से। टिश्यू पेपर मिला है डस्टबिन में से, खून लगा है सर। खून? सर कहीं शिखा जी जख्मी तो नहीं हुई थी? नहीं श्रेया, शिखा जख्मी नहीं हुई है, किसी और को जख्मी करके यहाँ आई और यहाँ से सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई। सचिन सारे एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सबको इन्फॉर्म करो, शिखा हमारे हाथों से निकलनी नहीं चाहिए। और मेरी बात याद रखना, अगले 6 महीने में शेयर्स आसमान छूएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ
सुधांशु मेरा नाम नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ सर? कोई सीखा मैडम आई है। शिखा? कौन शिखा? तुम्हारे कॉलेज की दोस्त शिखा। तुम मुझे भूल गए ना सुधांशु? शिखा, और अ प्लेजेंट सरप्राइज, इतने सालों बाद कैसी हो तुम? बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ सुधांशु, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुसीबत? कैसी मुसीबत? तुम कह रहे हो कि तुम फोन करने गए थे और ये कह रहा है कि ये बाहर बैठा था, तो अंदर के तुम्हारी आंटी जी बैठी थी हाँ, कंट्रोल टेबल के नीचे छुप के। सर वो फोन किसका है? सर ऑफिस से फोन आया था सर। ऑफिस से? सर वो ऑफिस से कोई लेडी ऑफिसर का फोन आया था सर। श्रेया जी इसका फोन दो, देखिए किसका फोन आया था। सर हमने फोन चेक किया था, ये फोन स्विट्जरलैंड से आया था। स्विट्जरलैंड? तुम्हारा ऑफिस स्विट्जरलैंड में? नहीं तो सर, ऑफिस तो परेल में है। और सर हमने कई बार फोन भी किया, फोन तो बंद आ रहा है। सर एक मिनट सर, सर ये स्विट्जरलैंड वाले नंबर से किस किस को फोन किया गया था, उन सब की लिस्ट चाहिए। पहले वाले को फोन करते हैं, 844। अरे सर ये फोन मेरा नहीं है, राहुल का है, मैंने अपनी जेब में रखा था। क्या राहुल जी? सर 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 अच्छा तुम्हारी हड्डियां मैंने ठीक से तोड़ी नहीं। कितने पैसे खाए तुम्हें? सर 5 लाख सर। किसने दिए थे पैसे? उस लड़की ने सर। लड़की? मनीष की वाइफ शिखा ने? नहीं सर, डॉली ने सर। कहाँ रहती है डॉली? सर वो तो पता नहीं सर, लेकिन उसका नंबर है सर मेरे पास। उसका नंबर देना। सर नंबर है 1411-6908 सर। 1411-6908 तेरी हिम्मत कैसी हुई? क्या हुआ? सर ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है सर, अब ये उसे भी फंसा रहा है। गर्लफ्रेंड? कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? सर रश्मि, सर रश्मि नाम है उसका, ये देखिए उसका फोटो। ये रश्मि है? जी सर। पहचानते हो इसे? डॉली है सर ये। डॉली और रश्मि एक ही लड़की है? मनीष की वाइफ शिखा के बेडरूम में जो खून है वो खून मनीष का नहीं। आप लोगों को ये बात मालूम? मतलब शिखा ने मनीष का खून नहीं किया? आप लोगों को ये बात मालूम है कि डॉली का खून में हाथ है, लेकिन डॉली इस वक्त कहाँ है ये बात आप लोगों को मालूम? नहीं। डॉली के हाथ की उंगलियों के निशान ये बता रहे हैं कि डॉली ड्रग लेती थी, मेथा एम्फेटामाइन, और एक बार अगर ये ड्रग शरीर के अंदर घुस गई आदमी गया काम से, एडिक्ट बन जाता है। लगता है डॉली ने काफी वक्त तक ये ड्रग ली, पर अब उसकी उंगलियों के निशानों में इस ड्रग की मात्रा बहुत कम है। ड्रग लेना छोड़ दिया उसने? ड्रग लेने की आदत से छुटकारा पाना चाह रही थी वो, लेकिन ड्रग की आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती है। डॉली जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी रिहैब सेंटर में जा रही थी, क्योंकि रिहैब सेंटर में ही ड्रग की आदत छूट सकती है। रिहैब सेंटर? सर यहां जो लोग हैं उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई ताकि ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ सके और उसमें सफल हो सके। तो फिर इनकी जितनी तारीफ करें कम है, क्या हम इनसे बात कर सकते हैं? क्यों नहीं दोस्तों, आप लोगों को जानकर के बहुत खुशी होगी कि आज हमारे बीच सीआईडी के कुछ जावाज ऑफिसर्स मौजूद हैं। एसपी प्रदुमन को इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, तो कीजिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह से तुमने ड्रग्स के खिलाफ ये लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है,
काबिले तारीफ है। तुम सब की जितनी भी तारीफ करो कम है। हाँ, लेकिन मुझे ये भी पता है ये कोई आसान बात नहीं है। मुझे तुम सब पर गर्व हो रहा है, सब पर, कि अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तुम लोगों ने एक सही कदम उठाया है। सर। हाँ बेटा। सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं रोशनी। आपने मुझे एक ड्रग डीलर के चंगुल से बचाया था। बिल्कुल पहचान लिया मैंने तुम्हें रोशनी, 2.5 साल पहले की बात है ना? जी सर। सर, आज आपकी बदौलत मेरी हालत में इतना सुधार है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान कैसा, ये तो हमारा फर्ज है। सर, ये मेरे दोस्त हैं, ये हेमंत और ये अतुल। हेलो सर। अच्छा रोशनी। जी। क्या तुम तीनों मिलकर हमारी मदद करना चाहोगे? कैसी मदद सर? जरा ये फोटो देखिए, ये रश्मि है। क्या ये कभी आई थी यहाँ पे अपने इलाज कराने के लिए, ड्रग्स की आदत से छुटकारा पाने के लिए? सर रश्मि नहीं, ये तो डॉली है सर। हाँ, इसका दूसरा नाम डॉली है। क्या जानते हो आप इसके बारे में? कुछ खास नहीं सर, बस इसे किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। किससे? कोई अजीब सा नाम ले रही थी, एसिड। हाँ सर, एसिड राजू सर। एसिड राजू, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है सर। और उसकी खासियत यह है कि वो जुर्म खुद नहीं करता, वो खून करने की सुपारी लेता है और कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे मुजरिम को दे देता है, और शायद इसीलिए अभी तक पकड़ा नहीं गया वो। एसिड राजू, एसिड राजू। तो विद्या, लगता है मनीष को मारने का कॉन्ट्रैक्ट एसिड राजू ने डॉली को दिया है। तो ये सुपारी किसने दी, तो अब ये एसिड राजू ही बताएगा सर। एसिड राजू। दया सर, आ गए ना मेरे पास। देखो, ये बकवास बंद कर और सीधे सीधे बता, ये एसिड राजू कहाँ मिलेगा? ये तो मुझे नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? तो फिर इस धूप में क्यों चला रहा है मुझे? सर, इसलिए कि उसे मालूम है। अंधे की मदद करो। वो? हाँ सर। वो तो अंधा है और शायद रोड क्रॉस करना चाहता है। सर, दिन में 50 बार ऐसे ही रोड क्रॉस करता है, और मौका मिलते ही सर किसी न किसी के पॉकेट पर हाथ साफ करता है। वो, ये बात? हाँ सर। चलो, आज मैं रोड पार करा देता हूँ। हाँ। तुम जाओ, गाड़ी में बैठो। ऑल द बेस्ट सर। कोई तो रोड पार करा दो। आइए आइए, मैं रोड पार करा देता हूँ। भगवान आपका भला करे, कब से मदद की गुहार कर रहा हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। आप तुम जैसे लोगों की मदद CID हमेशा करती है। चलो। CID? हाँ। कहाँ भाग रहे हैं? साहब साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अंधे बनने का नाटक करते नहीं साहब, लोगों की जेब काटता है। ये सुबह से 3 पर्स लिया हूँ साहब, बस ये 3 पर्स। कितने साल की सजा मिलेगी इसको? कम से कम 3 साल की सजा होगी तुझे। अरे साहब ऐसा मत करो साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। अच्छा ये बता, ये एसिड राजू कहाँ मिलेगा? इसका मुझे मालूम नहीं साहब। जल्दी बता वरना साहब वो अंबाबाड़ी के गैरेज में मिलेगा। ऐसे राजू तो मर चुका है। सुपारी किलर का ही खून हो गया सर। हाँ? इसके छाती में वैसे ही कीला लगा हुआ है जैसे मनीष की छाती में था। गन, ये कीली, चक्कर क्या है? सर, इस गन में मैग्नेट या कुछ है?
एक मिनट। राजू यहाँ गन के साथ कुछ कर रहा था और शायद इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कील यहाँ से निकल के उसके छाती में जाके लगा और उसकी मौत हो गई। सब बुरे काम का बुरा नतीजा। एक काम करो, देखो आसपास कुछ मिलता है क्या। सर, तो ये बैग मिला, पैसों से भरा हुआ। ओह, मनीष को मारने की सुपारी। सर, कहीं ये पैसे शिखाने तो नहीं दिए? हाँ पंकज, शिखाने दिए। इस ऐसे राजू को आखिरी कॉल शिखाने ही किया था। पर सर, शिखा तक हम पहुंचेंगे कैसे? डॉली, डॉली पहुंचाएगी हमें शिखा तक। इस ऐसे राजू के कॉल डिटेल्स निकालो, उसी से पता चलेगा इस डॉली का पता। या तो आर या पार। कहीं ये सीआईडी तो नहीं? भाई, ये लड़की बहुत ज्यादा होशियार है, जरा संभाल के रहना। उधर जा, मैं इधर देखता हूँ, आज इसका गेम ओवर करना ही पड़ेगा। हेलो, 135 फिलक नगर है, हम लोग पहुंच गए। इटोली का मोबाइल नेटवर्क यहीं पे पकड़ रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। बात सुनो, मुझे जाने दो तुम लोग। मैं तुम लोगों को इतना पैसा दूंगी जितना तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे पैसे तुम्हें मिल गए, लेकिन तुझे मारने के। अजीब बात है ना दया, इस डॉली के घर में दो दो लोग मरे पड़े हैं और ये खुद गायब है। सर, लगता है इन दोनों को थोड़ी देर पहले ही मारा गया है, शरीर अभी भी गर्म है। सर, मगर इन्हें मारा कैसे गया है? ना तो इन पर गोली के निशान है ना चाकू के। इन दोनों को गर्दन तोड़ के मारा है सर। इस तरह तो कोई ताकतवर आदमी या फिर कोई पहलवान आदमी ही मार सकता है सर। पंकज, ये डॉली भी तो पेशेवर मुजरिम है, हो सकता है इसी ने मारा इन दोनों। सर, सर इसकी जेब से डॉली का फोटो मिला और पीछे घर का एड्रेस भी लिखा हुआ है। सर, लगता है दोनों यहाँ डॉली को मारने के लिए आए थे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, पर लगता है सबके पीछे शिखा का ही हाथ है। शिखा ने अपने पति मनीष को मारने के लिए एसिड राजू को सुपारी दी, तो एसिड राजू ने यह काम सौंप दिया डॉली को। डॉली गई सिमुलेटर रूम में और उसने वहां पर मनीष को मार डाला। जब सारा काम खत्म हो गया तो शिखा ने पहले एसिड राजू का काम तमाम कर दिया और अब शायद डॉली के पीछे पड़ी है वो। हाँ अभिजीत,
अच्छा, शिखा का फोन एक्टिवेट हुआ है किसी दूसरे सिम कार्ड से, तो फिर पता लगाओ IMEI नंबर से ये शिखा है कहाँ। तो मोबाइल का सिग्नल ही नहीं से आ रहा। मोबाइल का सिग्नल तो वहां से आ रहा। यहाँ तो शिखा कहीं दिखाई नहीं दे रही, किसी और के पास तो नहीं है मोबाइल। हेलो। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? तुम्हारे चाचा बोल रहे हैं। देखिए भाई साहब, मेरा कोई चाचा वाचा नहीं है। बेटा जरा पीछे मुड़ के देख लो, चाचा पीछे खड़े हैं। चाचा को देख के भागता है, हाँ? बड़े चाचा से आशीर्वाद ले लेगा, हाँ? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो एक मामूली सा गुंडा हूँ। मामूली सा गुंडा है? बोल, शिखा कहाँ है? बोल शिखा कहाँ है? सब। किसने किया ये सब? मनीष के खूनी ने। चांद पर जो भी जाएगा मेरे रॉकेट में बैठ कर जाएगा, मेरे स्पेसशिप में बैठ कर जाएगा। गोली कहां से चली किसी को पता भी नहीं चला, और वो सिर्फ मुझे पता है सुधांशु। चौली, तुमने जिन दो आदमियों को मुझे मारने के लिए भेजा था, मैं उन्हें तो कप का ऊपर पहुंचा चुकी हूँ। वो दोनों मर गए? हाँ। लेकिन क्यों? मैंने तो उन्हें तुम्हें पैसे देने के लिए भेजा था। चुप! ये गन उन लोगों की है सुधांशु। तो इतना कमीना निकलेगा मैंने सोचा भी ना था। मेरे हाथों खून करवा के तू ऐश करेगा? कभी नहीं सुधांशु, कभी नहीं। चल अब जरा जल्दी से तू मरने के लिए तैयार हो जा। डॉली, डॉली, चल जा रही गोली। ले डॉली। क्यों डॉली जी? अरे अरे श्रेया, इसे तुम डॉली क्यों बुला रही हो? फिर क्या कहूँ सर? अरे इसका असली नाम लो ना, रश्मि जी। सर अच्छा हुआ भागे। अरे औरत पागल हो गई सर, इसने सबको मार दिया है। आप प्लीज इसे पकड़ लीजिए। हमें सब कुछ मालूम है सुधांशु, ये नहीं बचेगी, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि तुम भी गिरफ्तार हो जाओगे। हाँ। मैंने क्या किया? मुझे क्यों पकड़ेंगे आप? जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, मैं जोकर को मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। छोड़ो आप लेडी को। जाने दो मुझे, उनसे मार दूंगा। लेडी को कुछ नहीं करोगे तो मारूंगा मैं। गन नीचे, गन नीचे, नीचे रखो, गन नीचे। देख, गन नीचे करो। मुझे जोकर बोलता है, हाँ? अब देखना जोकर का खेल। एक CID ऑफिसर के सिर पे गन रखने का अंजाम जानता है तू? तो?
मनीष को मारने का प्लान दे रही थी। अगर क्यों मारना चाहते थे उसे? क्योंकि मैं खुद की स्पेस ट्रैवल कंपनी खोलना चाहता था, पर अरुण की ट्रैवल कंपनी पहले से ही मशहूर थी, इसलिए तुमने सोचा क्यों ना हमारे खून करवा दिया जाए ताकि उसकी कंपनी में ताला लग जाए और तुम्हारी स्पेस कंपनी चल निकले, क्यों? हाँ, इसलिए मनीष को मारने के लिए मैंने एसिड राजू को पैसे दिए और उसने काम सौंपा डॉली को। मैंने अरुण को अपने प्यार के जाल में फंसा के उसकी उंगलियों के निशान चुरा लिए थे, जिसके जरिए मैं सिमुलेटर रूम में पहुंच गई और एक स्क्रू ठीक से लगा दिया होता तो सीआईडी गुमराह हो जाती और मैं पकड़ा नहीं जाता। पकड़े तो तुम फिर भी जाते, जैसे शिखा जी पकड़ी गई। एसिड राजू को सुपारी देने गई थी ना मनीष की? हाँ, मगर मुझे क्या पता था कि एसिड राजू वहाँ पहले से ही मरा पड़ा था। अगर मुझे पता होता कि मनीष को मारने का प्लान सुधांशु ने पहले से ही बना कर रखा है तो मैं इस झंझट में कभी पड़ती ही नहीं, बस बैठ के तमाशा देखती। तमाशा तो अब तुम सब देखोगे, जेल की सलाखों के पीछे फांसी का तमाशा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।